नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम रीजनिंग के उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके MP पटवारी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका कौन से चैप्टर से रिलेटेड है? तो एनालॉजी एंड सिमिलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब इस तरीके के चैप्टर्स के क्वेश्चंस हम सॉल्व कैसे करते हैं, ये भी एक क्वेश्चन आ रहा है। तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और हम कैसे पहचानेंगे कि ये एनालॉजी एंड सिमिलरिटी का क्वेश्चन है? तो इसका आपका पहचानने का क्या तरीका है कि आपको एक साइन दिखेगा रेशियो। जैसे ही आपको रेशियो का साइन दिख जाएगा, आप रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का साइन, ये आपका प्रोपोर्शनल का साइन है। तो जैसे ही आपको प्रोपोर्शनल एंड रेशियोज के साइन दिख जाए रीजनिंग में, तो आप समझ लो ये आपका एनालॉजी एंड सिमिलरिटी का क्वेश्चन है। अब इसे सॉल्व करने का फंडा क्या होता है कि आपको पहले प्रोपोर्शनल के पहले के जो दो नंबर्स, लेटर्स, वर्ड्स कुछ भी होते हैं, इन दोनों में रिलेशनशिप ढूंढने होते हैं और वही रिलेशनशिप हमें प्रोपोर्शनल के बाद लगाने होते हैं। ये रिलेशनशिप आपके कुछ भी हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे लेटर के है, तो मैं आपके लेटर से रिलेटेड बता रही हूँ। जैसे कि आपको दे रखा है कि मास्टर का रिलेशनशिप है आपका ओ सी यू वी जी टी के। अब आपको ढूंढना है कि इन दोनों का रिलेशनशिप है क्या, तो आप इसे ढूंढने के लिए आपको नंबरिंग देखना पड़ेगा। M का 13, O का 15, यानी प्लस 2 हो रहा है। उसी तरीके से A का 1, C का 3, तो प्लस 2 हो रहा है। सारे में आप देखो तो प्लस 2 ही हो रहा है। तो जैसे ही आपको दिख जाए कि सारे में प्लस 2 हो रहा है, तो आप प्रोपोर्शनल के बाद वाले में वही चीज़ यूज कर लो, आपका है लेबर। अब आपका L का नंबरिंग कितना होता है, तो 12 प्लस 2 किया तो हमारा हो गया N। A प्लस 2, सी हो गया B का 2, 2 प्लस 2 4, यानी कि डी। ओ का 15, 15 प्लस 2 17, 17 यानी कि हमारा क्या हो गया, तो क्यूब। फिर उसी तरीके से 21 प्लस 2 किया तो 23 यानी कि डब्ल्यू। फिर आर का है 18 प्लस 2 किया तो 20 यानी कि टी। तो आपका आंसर हो गया एन सी डी क्यू डब्ल्यू टी। ये रिलेशनशिप आपके कुछ के भी हो सकते थे, यहाँ पे तो हमें सिंपली जोड़ने का था। कभी कभी आपके अपोजिट्स आ जाते हैं, जैसे कि मास्टर है आपका, तो मास्टर का अपोजिट देगा आपको कैसे कि आपको दे देगा एन जेड, फिर आपका हो गया H, फिर आपका क्या हो जाएगा तो Z, फिर E का अपोजिट आपका क्या होता है तो V, एंड R का अपोजिट आपको दे देगा क्या तो I। अब आपको पूछेगा लेबर का अपोजिट क्या होगा, तो आपको ये एट अ टाइम समझना होगा कि ये एक दूसरे के अपोजिट है तो हमें अपोजिट वाले लगा देने हैं। तो L का अपोजिट क्या हो जाएगा, इसी तरीके से आप इसे टोटली सॉल्व कर दोगे। R का, U का, O का, B का, A का, सारे का आपको अपोजिट करने पड़ेंगे। अब L का अपोजिट आपका हो गया O, A का हो गया Z, B का हो गया हमारा Y, O का हमारा क्या हो जाएगा, तो O का हमारा आपका होगा क्या, तो मैं आपको बता दे रही हूँ, ओ का हमारा हो जाएगा एल, यू का हमारा क्या हो जाएगा तो एफ, एंड आर का हो जाएगा आई। तो इसका अपोजिट हमारा इस तरीके से। ये आपका रिलेशनशिप कुछ भी हो सकता है, अगर नंबर बेसिस में हो तो नंबर में आपके स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंस कुछ भी हो सकते थे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं किस चीज़ के क्वेश्चन, तो ऑड वन ऑड से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि क्लासिफिकेशन चैप्टर से। आपको इसमें करना क्या होता है कि आपके चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन सबसे अलग है वो हमें ढूंढने होते हैं, और ये ढूंढने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं कभी कभी। जैसे कि ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में अगर आप ऑड ढूंढने की कोशिश करो तो आपको समझ नहीं आएगा कि हमारे ऑड क्या हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसे स्किप करके याद आ छोड़ के आ जाते हैं, बट आपको स्किप नहीं करने, आपको सोचने कि हमारा हो क्या सकता है। तो आप सोचो 6243, फिर है 2643, फिर है 8465, एंड फिर है 4867। तो हमारा इसमें हो क्या रहा है कि आपको 6 प्लस 2 ऐड कर रहा है 8, 4 प्लस 3 ऐड कर रहा है 7। यहाँ पे 6 प्लस 2 ऐड किया 8, 4 प्लस 3 7, 8 प्लस 4 12, 6 प्लस 5 11, 8 प्लस 4 12 एंड 6 7 प्लस 6 13। अब हमें क्या देखने से लग रहा है कि इन दोनों के डिफरेंस 1 के आ रहे हैं, इन दोनों के डिफरेंस 1 के, इन दोनों के डिफरेंस 1 के, बट यहाँ पे हमारा डिफरेंस माइनस 1 का आ रहा है। तो सबसे अलग कौन सा हो गया, तो 4867। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है आपका बहुत ही सिंपल है, सीरीज से रिलेटेड। आपको करना क्या होता है कि सारे नंबर्स कुछ सीरीज पे जा रहे हैं, वो सीरीज ढूंढ के हमें नेक्स्ट नंबर ढूंढने होते हैं। यहाँ पे अब हमारा नेक्स्ट क्या हो सकता है, तो सबसे पहले हमारा माइंड किस पे जाएगा, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं 4 9 8 4 3 12, तो हम सोचते हैं ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, बट नहीं, ये आपका इतना सिंपल होता नहीं है। आपको इसमें डिफरेंस चेक करना है, तो ये आपका कितने का डिफरेंस हो गया, तो 4 का, फिर से आपके डिफरेंस 4 का है, फिर यहाँ पे हमारा डिफरेंस 12 का जा रहा है, एंड फिर से 12 का जा रहा है, यानी डिफरेंस में हमारा 3 का मल्टीप्लिकेशन जा रहा है दो बार लगातार, फिर 3 का मल्टीप्लिकेशन, तो फिर से 3 का मल्टीप्लिकेशन किया तो 36, एंड 36 प्लस 36 कितना हो गया, तो 72, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस चीज़ का, तो मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब आपको इस तरीके के क्वेश्चन एक टेबुलर फॉर्म में है, आपको ये 3x3 का मैट्रिक्स दिख रहा है, तो इसमें हमें करने क्या होते हैं कि आपको यहाँ पे एक टर्म मिसिंग दिख रहा है, हमें इसे फाइंड आउट करने होते हैं। सारे नंबर्स जो होते हैं
आपको या तो रो वाइज होते हैं या तो कॉलम वाइज, हमें उस चीज़ को ढूंढने होते हैं। तो हमें देखने से क्या लग रहा है कि अगर हम नीचे की ओर जा रहे हैं तो हमें सबसे ज़्यादा ईजी लग रहा है बढ़ना, कि नीचे की ओर बढ़ते जा रहा है। तो हम यहाँ पे उसी चीज़ को देखेंगे, तो 5, 16 and 49। अब इन तीनों में जो रिलेशनशिप होगा वो हमें ढूंढने होंगे। तो इसे हम कह सकते हैं 5 × 3 + 1, इसे क्या कह सकते हैं तो 16 × 3 + 1। नेक्स्ट में आप देखो अगर यही रूल फॉलो हो जाता है तो लास्ट में भी यही रूल, तो 229 and 89 किया, तो ये हमारा कितना हो गया, तो मल्टीप्लाई बाई 3 + 2, और ये हमारा हो गया मल्टीप्लाई बाई 3 + 2 ही हो गया। तो नेक्स्ट हमें यही लगा देने हैं 15, एंड यहाँ पे हमें नहीं पता एंड 147, तो हमने यहाँ पे किया। तो 15 × 3 + आपको क्या करना है, एक बार एक ऐड किया, एक बार दो तो नेक्स्ट 3, तो 15 × 3 = 45, 3 = 48 होना चाहिए। अब आप इसे चेक भी कर सकते हो, 48 × 3 + 3 अगर 147 आ जाता तो सही है, 8 × 24, 4 × 12, 2 × 14 + 3 = 147 होता है, यानी हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत ही सिंपल, आपका सिंबल एंड नोटेशन से क्वेश्चन है। इसमें आपको करने क्या होते हैं कि आपको ये मैं अच्छे तरीके से लिख देती हूँ, यहाँ पे आपका है 5 × 3 = -7, 3 × 7 = -11, एंड 7 × 11 = व्हाट। तो आपको इसमें क्या करना है कि फर्स्ट के दो में रिलेशनशिप ढूंढना है कि कौन सा रिलेशनशिप से हमारा माइनस सेवन आ रहा है, बिकॉज मल्टीप्लाई करके तो हमारा 15 आता है, तो ये हमें फाइंड आउट करने होंगे। तो ये हमारा हो क्या सकता है, तो सबसे पहले हमने देखा 5 + 3 क्या, तो 5 + 3 हमारे क्या होता है, तो 8 होता है। अब 8 में आप कितना माइनस करोगे तो ये हमारा -7 आ जाएगा, तो हमें कितने माइनस करने पड़ेंगे, तो 15 माइनस करने पड़ेंगे, तो 15 ये आएंगे कहाँ से, तो 5 × 3। अब आप इन दोनों को माइनस करो तो ये हमारा है 8 − 15 आपका हो गया -7। नेक्स्ट में इसी चीज़ को देखा तो 3 + 7 किया एंड माइनस किया 3 × 7, तो 7 × 3 = 10 − 27 = 21 आपका आ गया -11। अगर फर्स्ट के दो में ये चीज़ यूज़ हो गया तो नेक्स्ट में हमारा यही चीज़ यूज़ हो जाएगा, तो 7 × 11 है। तो इसे हम कह सकते हैं 7 + 11 − 7 × 11, तो ये हमारा हो गया 18 − 77। अब ये आपका 18 − 77 क्या हो जाएगा, तो -59, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीरीज से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपका लेटर का सीरीज होता है। हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये देखने में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को लगभग हार्ड ही लगते हैं, तो बट ये आपका हार्ड होता नहीं है, कैसे हमें इसे सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले आप क्या करो कि सबसे पहले मैं आपको फिर से इसे लिख देती हूँ, OR U (O)(U(X)OR (X)RUX। अब आप इसके टर्म्स गिन लो, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, आपका यहाँ पे कितने टर्म्स है, तो यहाँ पे आपके कितने टर्म्स हो गए, तो ये आपके हो गए, सॉरी यहाँ पे एक आपका यू छूट गया है, तो ये आपका 18 टर्म्स हो गया। तो 17 था एक यू जोड़ा, तो 18 टर्म्स हो गया। अब आप 18 को सोचो कि हम इसे किस किस चीज़ में डिवाइड कर सकते थे, तो आप इसे कितने, इसे आप मैं फिर से काउंट कर देती हूँ, आपका कितने हो गए, तो ये आपका हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ही हो गए। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आप इसे डिवाइड करके देखो, OR U (O)(U(X)OR (X)RUX, आपके इतने सारे टर्म्स हैं, आपके कितने टर्म्स हो गए, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 1, 16 आपके टर्म्स है, कहीं पे आपके मिस्टेक हो रहे हैं काउंट करने में, आपका है ORU, यहाँ पे आपके थोड़ा सा ज़्यादा टर्म्स हो गए, मैं इसे फिर से लिख देती हूँ 1 मिनट, ये आपका फिर से मैं लिखते रही हूँ आपको अच्छे तरीके से, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये हमारा क्या हो गया, तो OR U (O)(U(X)OR (X)RUX, आप इसे काउंट करो, आपके 16 टर्म्स हो रहे हैं, तो आप 16 को डिवाइड कर लो कुछ ऐसे में, करो जिसका डिफरेंस सबसे कम हो, तो 4 × 4 कर दिया, तो आप इसे 4 × 4 में ट्राई करो, 4 भाग में हमने डिवाइड करके देख लिया, आपको उतने भाग में डिवाइड करने थे तो 4 भाग में कर दिया। अब आप इसे आसानी से लिख सकते हो, OR U (O)(U(X)OR (X)RUX। अब आपको इसमें क्या करना होंगे कि आप देखो कि कौन से सीरीज में हमारा क्या छूट रहा है, तो यहाँ से x छूट रहा है, यहाँ आपका r छूट रहा है, यहाँ u छूट रहा है और यहाँ o छूट रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, तो XRUO, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको हमारे वीडियो कैसा लगा ये आप हमें लाइक कमेंट एंड शेयर करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ ऐसे ही और भी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा,
और सब्सक्राइब करने के बाद बगल के बेल आइकन पर क्लिक जरूर करिएगा ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए और आप हमारी एक भी वीडियो मिस ना करें। हमारे वीडियोज़ में आपके इसी तरीके के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।